अब बच्चे उठाने वालों, अगवा करने वालों, तुम भी सुनो, क्या मतलब ये लगा रखा है तुमने? डाकुओं तुम भी सुनो, क्या तुमने मतलब दहशत फैला रखी है? दहशत गर्दो तुम भी सुनो, तुम्हारी दहशत गर्दी, तुम्हारा ये मारामारी करना, ये डकैतियां चोरियां करना, ये आरजी है, वक्ती लज्जत है, थोड़ा सा लुत्फ है, इसके बाद अंधेरी कब्र। मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम का इरशाद है, मौत का एक झटका तलवार के हजार वार से सख्त है। तलवार तो, तलवार की काट तो किसने बर्दाश्त करनी, किसको पड़नी है? एक डंडा ही पड़ जाए तो बंदा ची बोल जाए। वो जिहाद की तरजीब पर इन्होंने फरमाया था कि अगर राय खुदा में शहीद नहीं और बिस्तर पर मरोगे तो याद रखो मर जाओगे, ये मुहावरा है, मर जाओगे ने मुसीबत में पड़ जाओगे, कि मौत का एक झटका तलवार के वार से हजार दर्जे सख्त होता है, खतरनाक, इतनी तकलीफ। तो नजा में जब रूह कब्ज हो रही है, अब पाँव से निकलना शुरू होती है और ये ऊपर आती है तो जोड़ों पे रुकती है, मुजरिमों को उस पर फरिश्ते मारते हैं, फिर इधर रुकती है उधर रुकती है, गले में अटक जाती है। तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह ताला से हम आफियत का सवाल करते हैं, तो यूं बाजों की सकरात कई कई दिन तक चलती है, देखने वालों को कुछ भी नहीं समझ आती। इसको कोमा का नाम देते हैं डॉक्टर, लेकिन अब हर कोमा सकरात नहीं होता, बाज कोमे ओनली मतलब बेहोशी, ये बाद में होश आ भी जाता है, लेकिन जिसको वाकई सकरात है तो वो तो पलट कर आना नहीं होता उसने, जो रूह निकलने का जो अमल शुरू होता है ना, ये है सकरात। तो अब इसमें किसी को पता नहीं चलेगा ना कि ये अब कैसे वापस आएगा, वो अल्लाह चाहे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है और जिंदा हो जाता है। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम, खासकर ईसा अलैहिस्सलाम का तो मशहूर मौजिज़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी मुर्दे जिंदा किए, मेरे आका ने तो अपने वालिदैन को जिंदा किया और कलमा पढ़ाया, अपनी उम्मत में लिया और सहाबियत के शरफ से नवाजा अपने माँ बाप को, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदतना बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो मेरे आका की तो बात ही क्या है। तो यूं ये तो मौजिज़ात हैं, या गौस पाक अपनी करामत से वो इन्होंने मुर्दे जिंदा किए, तो वो एक मतलब मुस्तस्नियात हैं। जनरली जिस पर सकरात तारी हो गई, रूह कब्ज होनी शुरू हो गई, तो वो अब पलट कर नहीं आता, अब वो दुनिया से जा रहा है और चला जाता है। तो इसमें शदीद तकलीफ होती है, मोमिन को इसमें भी अज्र मिलता है, गुनाहों के इसमें कफ्फारे होते हैं, अल्लाह की रहमत होती है। अल मौतो कफ्फारतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए कफ्फारा, अल्लाह हमको बस आसान ही कर दे, बगैर मतलब यानी कि तकलीफ के हम तो जाना चाहते हैं दुनिया से, हमको तकलीफ का एहसास ना हो। तकलीफ का एहसास ना होने की एक सूरत यह है कि उस वक्त निगाहों में जलवा मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मौत के झटकों का इंशाअल्लाह एहसास नहीं होगा। तो जलवा मुस्तफ़ा में गुम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमको पता नहीं चलेगा। सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे।